नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिनोइन, आप देख रहे हैं एसएस इलेक्ट्रिकल। तो आज है हमारे पास एक सबमर्सिबल पंप का स्टार्टर या फिर पैनल बॉक्स, जो भी कहें आप। तो ये जो है, आपको सबसे पहले लाइन को ऑन करते हैं। हमने जो है लाइन का कनेक्शन यहाँ पे कर लिया और यहाँ पे जो है लोड आउट किया है। अभी तो हमारे पास पंप नहीं है ये घर पे, तो ये जो है हमने दो हैलोजन लाइट को यहाँ पे जो है कनेक्ट किया है। तो सबसे पहले मैं इसको ऑन करके आपको दिखा दूँ। तो इसको मैंने ऑन किया, वोल्टेज देख लेते हैं। सॉरी, एमसीबी को उठाना है तो एमसीबी को उठा देते हैं। अब वोल्टेज चेक करते हैं 220। अब जो है इसको ऑन करते हैं। ऑफ ऑन किया, हम एम्पियर मीटर खराब ही है, हमारा नीचे लोड चलना शुरू हुआ और ये जो है ऑफ हुआ। फिर से ऑन करते हैं, फिर से ऑफ करते हैं, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन, ठीक है, ऑफ नहीं हो रहा है। तो इसमें जो है अभी पाम तो नहीं है, लेकिन जो मेटल है और जो हैलोजन है उसे जलाया गया है। तो इस स्थिति में ये जो है ऑफ नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों होता है? आप सोचेंगे कि ये रेड स्विच के प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है, लेकिन नहीं। ऑफ होने का मतलब, यानी कि ऑफ ना होने का मतलब रेड स्विच का खराब होना नहीं है। हो सकता है ग्रीन स्विच आपका शॉर्ट हो गया, ये पहला कारण ये है। और दूसरा कारण ये है कि अगर बीच बीच में आपका जो है ऑन होकर रह जाए, ऑफ ना हो, तो वो जो है स्टार्टर के प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है। तो आपको क्या देखना है, ग्रीन स्विच आपका शॉर्ट है कि नहीं। सबसे पहले इस सभी कनेक्शन को खोल के इसके दोनों पिन पे देखना है, कंटिन्यू मोड रह गया कि नहीं, स्विच को ना ऑन करके ऐसे ही। उसके बाद इस साइड के दोनों साइड को जो है देख लेना है बारी बारी से। पहले यहाँ पे दोनों मीटर का कंटिन्यू मोड चेक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे अगर कंटिन्यू मोड में आपका चला तो जो है आपका स्विच खराब है। और यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं, और अगर आपका डबल पोल कॉन्टैक्टर का जो है स्विच भी ऐसे चिपक के रहा, तो उसका मतलब आपका जो है उससे भी लाइन आपका ऑन रहेगा। हो सकता है ये जो है फायरिंग करके शॉर्ट हो गया हो, या इसके रिले में जो है कनेक्शन आ रहा हो। कवर खोलते समय हमारा एमसीबी डाउन हुआ और ये जो है ऑफ हो गया। तो ऑन करते हैं, इसे इसको ऑन करते हैं और फिर से ऑफ ऑन ऑफ। अब देखिए ऑफ नहीं हो रहा है, तो इसका कारण है ये जो स्टार्टर देख सकते हैं आप, यह अंदर की तरफ घुस गया है। आपको एक नया स्टार्टर दिखा दें, इसे डबल पोल कनेक्टर कहते हैं हम लोग। तो ये देखिए जैसे कि उठा है, ये ऐसे घुस गया। अभी जब एमसीबी को हम ऑफ करेंगे, एमसीबी को करते हैं ऑफ, ये देखिए थोड़ी देर बाद बाहर आया, ये जो है अंदर चिपक जा रहा है, इस वजह से जो है ऐसा प्रॉब्लम है। तो आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं उसके बारे में चलिए बात करते हैं। जैसे कि हमने अभी देखा, जो स्टार्टर का जो है कनेक्शन शॉर्ट हो जा रहा था, यानी कि चिपक जा रहा था अंदर, तो उसका कारण जो है इसमें स्पार्किंग होकर रखा है। तो इसका स्पार्किंग होकर जो है ये अंदर चिपक जा रहा है इसलिए। तो आप चाहे तो इसको थोड़ा सा घिस के जो है रिपेयर कर सकते हैं। और ये जो है रिले, इसका कनेक्शन भी हमने देख लिया, ये जो है स्विच देने के बाद भी यहाँ पर कनेक्शन आता है, उससे पहले नहीं। तो रिले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिले हमारा ओके है, तो इसको हम लोग जो है रिप्लेस कर लेंगे। स्टार्टर के नट को तो पहले ही खोल रखा है और इसका जो है कनेक्शन खोलना है। लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि आपको एक वायर लेना है, छोटा सा वायर, और आपको क्या करना है उसके बारे में चलिए बात कर लेते हैं। अगर किसी भी घर पे आपने अपना पंप का पैनल खोला, और उससे पहले आपको क्या करना है, दो कैपेसिटर है उसको डिस्चार्ज, नहीं तो इसमें आपको शॉक लग सकता है। तो ये जो है सबसे पहले हम इसको डिस्चार्ज करेंगे रनिंग कैपेसिटर को। तो यहाँ पे दो पिन है, या फिर आपका कनेक्शन के बारे में बता दें, जो येलो और रेड के तरफ है यहाँ पे, इस दोनों को हम लोग जो है शॉर्ट करेंगे। अगर चार्ज रहा तो डिस्चार्ज कर देना है आपको, कोई भी रिक्स ना लेते हुए। इससे एक बार चेक कर लेते हैं। तो अब जो है पैनल के कैपेसिटर को चेक कर लेते हैं। तो ये जो है स्विच में कनेक्शन है और एक यहाँ पे, तो इसको भी देख लेना है, ताकि दोनों में अगर चार्ज रहा तो आपको जो है झटका लग सकता है। तो इसमें जैसे कि देख सकते हैं, इस साइड दो कनेक्शन है और इस साइड चार कनेक्शन है। तो ये जो है स्टार्टर दोनों तरफ से कनेक्शन ये है, एक तरफ यहाँ पे पंप का कनेक्शन और यहाँ पे मेन लाइन का कनेक्शन। तो एक जो येलो तार है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये जो है येलो वायर आपका सीधा आ रहा है एमसीबी से, यानी कि आपका मेन फेज लाइन जा रहा है एमसीबी पे, और एमसीबी का लाइन जा रहा है आपका एम्पियर मीटर पे, और एम्पियर मीटर से जो येलो वायर हो रहा है ओके इस डबल पोल कॉन्टैक्टर में आ रहा है।
तो यहाँ से जो है आपका एक कनेक्शन गया तो है फेज का, और उसके बाद इसके बाद में है एक न्यूट्रल, जो न्यूट्रल का आपका सप्लाई कनेक्शन से न्यूट्रल जो कनेक्शन है वहाँ से सीधा आ रहा है, और इसको दे दिया गया है इसके नीचे जो रिले का पोर्शन है उस रिले में, और रिले का एक कनेक्शन जो येलो वायर होकर आपका गया इस रेड कनेक्शन के यानी कि रेड स्विच के कनेक्शन पे, यहाँ पे, ताकि जब ये रेड कनेक्शन आपको प्रेस करेंगे तो कनेक्शन छोड़ देगा तो रिले जो है ऑफ हो जाए, और रिले ऑफ होने के कारण ये जो है कनेक्शन छूट जाए इस वजह से। और इसके दूसरे तरफ है पंप का दोनों तरफ का कनेक्शन, यानी कि पंप के आउटपुट के लिए यहाँ पे कनेक्शन दिया गया है, और एक जो है आपका रेड कनेक्शन कह ले या फिर आपका जो कैपेसिटर से होके जो आपका पंप में कनेक्शन जाता है, और एक जो है डायरेक्ट कनेक्शन जाता है, जो डायरेक्ट कनेक्शन वाला है वो सीधा गया, और जो पंप से कनेक्शन जाता है वो जो है एक रेड वायर को होके ग्रीन स्विच के पास चला गया। तो ऐसे आपका जो है ये काम करता है, और अभी जो है हम इसको खोल लेते हैं कनेक्शन को। तो ये रहा हमारा डबल पोर कॉन्टेक्टर, तो इसको जो है हमने खोल लिया, ये जो है 16 एम्पियर का है। चलिए इसको बदलते हैं, ये जो आपको बजट के हिसाब से कोई सा भी लगा सकते हैं, ये जो है 16 एम्पियर है, ये जो है 40 एम्पियर है, बजट के हिसाब से कोई सा भी आप लगाइए। ये जो हैवी ड्यूटी वाला है थोड़ा सा प्राइस में ज़्यादा है, ये प्राइस में थोड़ा कम, तो हम जो है इसको लगाएंगे। 16 एम्पियर का ये भी है, 16 एम्पियर का ये भी है, तो कस्टमर ने कहा तो इसको ही लगा देंगे। तो हम जो है इसको सिर्फ सेट कर देंगे नीचे, जैसे कि जैसा कनेक्शन इसमें से खोला है सेम ऐसे ही बिठा देना है आपको, ज़्यादा कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। इसको जो है हम सिंपली लगा लेंगे और हमारा काम जो है बन जाएगा, और फिर से हम लोग जो है अपना लोड देखें, इसको भी एक बार टेस्ट कर लेंगे, नया है दिक्कत तो नहीं आएगा, फिर भी टेस्ट कर लेंगे। सभी कनेक्शन हो गया हमारा, हम जो है स्विच को करते हैं ऑन और MCB को करते हैं ऑन। अब जो है बोर्ड सबसे पहले चेक करते हैं, लाइन हमारा आ गया, इसको जो है ऑन करते हैं, तो जैसे कि आपको दिखा दे हमारा लोड चलना शुरू हो गया, तो जो है हमारा लोड चल रहा है। तो अब जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं जो है ऑफ करेंगे, ऑफ हो रहा है, फिर से ऑन करेंगे जो है लोड हमारा चल रहा है, फिर से ऑफ करेंगे, फिर से ऑन, फिर से ऑफ, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ। अब जो ये चीज़ नया है तो अभी इतना ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं करेगा, तो फिर से ऑन, फिर से ऑफ, तो हमारा जो है ओके हो गया। आपको दिखा दें ये जो जब हम ऑन करेंगे, तो जैसे कि यहाँ पे ऑन किया तो इसका जो पोल है थोड़ा सा अंदर घुस जाएगा, अब जब ऑफ करते हैं तो ये जो है अंदर बाहर आ जाएगा, फिर से अंदर, फिर से बाहर। ये अगर अंदर चिपक के रह जाए तो आपको तभी जान लेना है जैसा प्रॉब्लम है, अगर अंदर चिपक के रह जाए और तब अब जो है अपना लाइन ऑफ करेंगे या फिर MCB या फिर कनेक्शन, यहाँ से कनेक्शन खोल के लाइन ऑफ करेंगे, तब जो अगर ये बाहर नहीं निकला MCB निकलने के बाद भी, तो आपको मान लेना है जो है आपका रिले खराब है। और अगर MCB को ऑन करते ही फिर से अगर ये ऑन हो जाए तो उसके बाद मतलब आपको जानना है कि आपका जो है स्विच में प्रॉब्लम है, जो ग्रीन वाला स्विच है उसमें प्रॉब्लम है, वो डायरेक्ट हो जा रहा है इसलिए जो है ऑन हो जाए। जैसे कि ऐसा है, अगर ऑफ करने से MCB ऑफ करने से ऑफ हो जाए तो ठीक है, अगर ऑफ ना हो तो रिले का फॉल्ट, और अगर ऑफ हो जाए फिर से MCB उठाने से ये अगर ऑन हो जाए, जैसे कि अभी दिखा दें आपको एक बार टच करके ऑन हो जाए, तो उसका मतलब आपका जो है इस स्विच का कनेक्शन शॉर्ट है। इस स्विच का कनेक्शन शॉर्ट होने से या फिर स्विच खराब होने से जो है आपका रिले ऑन हो जाएगा ऐसे ही, यानी कि MCB नमाने से उठाने से या फिर कनेक्शन लगाने से खोलने से जो है ऑन हो जाएगा, तो उसमें स्विच प्रॉब्लम, और अगर रिले का प्रॉब्लम हो तो सब हर वक्त ऐसा ही रह जाएगा अंदर घुस के, यानी कि वो जो है इस रिले तो नहीं कहेंगे हम, अंदर का रिले शॉर्ट होता है वो तो लाइन की वजह से, ये जो है डबल पोल कॉन्टेक्टर है ये जो है खराब हो जाए या फिर जो है अंदर फायरिंग करके कनेक्शन ज्वाइंट हो जाए तब जो है ऐसा प्रॉब्लम होता है। तो आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, कुछ सवाल या सुझाव हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो पंप के वजह से ये जो है लोड चल रहा है, और ये जो है मुझे अच्छा लगता है, ज़्यादा जगह पे मैं इसको लगाता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, धन्यवाद।